प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह तो दौरे पर दौरे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन क्या होने वाला है और हमारा सबसे बड़ा सवाल कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन उससे पहले कौन सी पार्टी जीतेगी। हमारे साथ जनता है, लेकिन आपका परिचय पहले करवा देता हूं कि हमारे खास मेहमान कौन हैं। शैलेश पांडे हैं, जो कि इसी शहर बिलासपुर के विधायक हैं, इनका स्वागत करिए भाई ताली बजाकर। और सुशांत शुक्ला हैं, नेता हैं बीजेपी के, अभी तो मैं इन्हें नेता बीजेपी कह रहा हूं, और नेता बीजेपी इसलिए कह रहा हूं कि अब तक नेता थे और आज ही प्रत्याशी बनाए गए हैं। सबसे पहले तो एबीपी न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो सुशांत भाई। बहुत धन्यवाद। माहौल ठीक है? माहौल टाइट है। टाइट है मतलब आप स्वीकार रहे हैं कि माहौल टाइट है, मतलब इसका मतलब कि फाइट है। मैं जब बोल रहा हूं टाइट है तो सरकार की हालत भी टाइट है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रदेश ने अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को संकल्पित भूपेश कका ठगेश बनते 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 इस प्रदेश को लूट कर एक वंशी परिवार की चरण वंदना कर एटीएम में समर्पित कर दिया। उसके विरुद्ध जनता टाइट है, उनके खिलाफ इसलिए फाइट है कि सत्ता की रास्ता जो वर्तमान सत्ताधीशों के लिए टाइट है। नेता तो गुरु आप बहुत सॉलिड लग रहे हैं, जवाब सवाल देख रहे हैं शैलेश भाई, मतलब प्रत्याशी आज बनाए गए हैं और टाइट फाइट की जो जुगलबंदी कर रहे हैं ये तो बहुत ही शानदार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जहां से इनको बिलतरा से टिकट मिली है तो लग रहा है कि कांग्रेस फाइट में भी नहीं है इनकी बातचीत से, तो क्या लग रहा है? चुनाव का समय है, सब अपने अपने दावे जरूर करेंगे और करते रहेंगे, विपक्ष में है इसलिए विपक्ष का काम विपक्ष की तरह करेंगे, लेकिन विपक्ष जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो सच्चाई पे हो। सच्चाई पे जो है वो सरकार काम कर रही है और पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ जिस तरह विकास कर रहा है, जिस तरह बिलासपुर विकास कर रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अरे अपने ही कांग्रेस की सरकार से इतना लड़ते रहे आप 5 साल, न्याय मांगते रहे, जनता के लिए लड़ते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने लिए लड़ते रहे, आप जनता के लिए लड़ते रहे, जनता के लिए ही सही, लेकिन जब सरकार में रहकर आपको सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े तो ये कैसी सरकार और ये कैसा लोकतंत्र भाई, समझाइए थोड़ा। 15 साल में इन लोगों ने जो संस्कृति और सिस्टम जो था इतना भ्रष्ट कर दिया था, इतना खराब कर दिया था कि उस भ्रष्ट सिस्टम को, उस संस्कृति को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है और इसके समय जो लगा वो समय लगेगा और वो समय ठीक हो गया है। लड़ाई अपनी सरकार से नहीं थी, सिस्टम में थी। अगर कोई गलत कर रहा था उसके लिए हमको सच बोलना था। अच्छा, लड़ाई टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल में नहीं थी, स्वीकार कर लीजिए आप, नहीं थी? नहीं थी बिल्कुल, लड़ाई टीएस भाईचारा था, जय वीरू की जोड़ी थी और अभी काका और बाबा की जोड़ी है वहां पर। काका बाबा की जोड़ी से कैसे करेंगे मुकाबला, क्योंकि इस बार सुनिए फिर से पैर पड़ने लगे हैं, फिर से गले मिलने लगे हैं और फिर से भाईचारा स्थापित हो गया है। और जैसा शैलेश भाई कह रहे हैं कि काका और बाबा की जोड़ी इस बार फिर से जीतेगी और बीजेपी की सत्ता आने वाली नहीं। ओला कहत लगा तो छत्तीसगढ़ी माँ कि अब अंधेर नगरी चौपट राजा दाऊ भूपेश बघेल और टीएस बाबा। छत्तीसगढ़ की कहानी ये हो गई है कि लूट लूट के दुकान कर एक वंशी परिवार ने एटीएम में समर्पित कर दी छत्तीसगढ़ ला। आज ये जगह में खड़े हैं, मोर साथी भ्रष्टाचार के बात करे तो मोर बड़े भाई है, थाना में खड़े होके। अच्छा हाँ, एक सेकंड, बड़े भाई से याद आया, बड़े भाई से याद आया, ये आपस में अभी लड़ रहे हैं, गजब है नेताओं का चरित्र। जैसे ये दोनों मिले तो इतनी घनिष्ठता से गले मिले जैसे लगा हो कि मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए, आओ कसम खा के एक दूसरे को जिता दे। खैर अपनी बात कीजिए, ये प्रेम बना रहना चाहिए। और भाई ये जब थाना में खड़े होके थाना में रेट लिस्ट टांगे के बात करे रही से, अब हिंदी में कहता हूँ, थाने नहीं मोला पास, वो मोर पास रवि मिरी है, देखा भाई फ्रेम में, वो समझाते छत्तीसगढ़ी, मैं थोड़ा थोड़ा गुठिया पाता हूँ, सब समझाते हो छत्तीसगढ़ी, अस्मिता ला तार तार करके काम भूपेश बघेल करी से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।